बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं मोहम्मद नमान कई हूँ, तुम देखते पे हो गंधारा हिंको टीवी। आज दी ताज़ा खबर, सुप्रीम कोर्ट ने परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस के फैसले देर करने की रिपोर्ट तलब कर ली थी। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस के मुतालिक सुप्रीम कोर्ट की समात हुई। अदालत ने रजिस्ट्रार खसूसी अदालत से मुकदमे देर करने की रिपोर्ट तलब कर ली थी। अदालत ने हुक्म दिता हुआ कि रजिस्ट्रार खसूसी अदालत 15 दिन रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट जमा करावन, ट्रायल देर होने की वजूहत भी बयान करूँ। सऊदी अरब के वजीर मुमलिकत बराए खारजा आज पाकिस्तान पहुंचन, पाकिस्तानी कयादत नाल अहम मुलाकात कर सुन। वजारत खारजा के मुताबिक सऊदी वजीर खारजा अपने पाकिस्तानी हम मनसब शाह महमूद कुरैशी नाल भी मुलाकात कर सुन, जिस खिते अमन अमान की ताज़ा तरीन सूरत हाल समेत बामी दिलचस्पी के अमूर से भी तबादला ख्याल कर सुन। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने किया वे कि इज्जत की मौत को तरजीह दे सा, बड़े बेस्ती कबूल ना कर सा। कोर्ट लखपत जेल अपने कार वाली नाल मुलाकात के दौरान नवाज शरीफ ने किया वे कि इलाज के नाम से सियासत होंगी पई है। पंज मेडिकल बोर्डों की रिपोर्टों के बाद भी इलाज शुरू नहीं होया, हुकूमत ने हूं तक इलाज की कोई सहूलत फराहम नहीं की, खाली तंग किया जाता पिया वे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने पिशोर शहर ट्रैफिक की वजह नाल आवाम नूं दरपेश मसाइल ते खफगी दा इजहार किया वे। उन्होंने किया वे कि BRT दी वक्त ते तकमील ते कोई समझौता ना किया जा सी। उन्होंने किया कि BRT दे मैन कोरीडोर के दोनों तरफ ट्रैफिक की रवानी हर हाल मुमकिन बनाई जाए ते रुकावटां दूर कीतियां जावन। अक्वामे मुतहिदा ने मुसलमाना ते दीगर अकलियतां दे नाल नारावा सलूक करने ते भारत नूं खबरदार किया वे। बैनुल अक्वामी खबर रसां इदारे दे मुताबिक अक्वामे मुतहिदा दे इंसानी हकूक दी सरबरा ने भारत मुसलमाना ते दीगर अकलियतां ते तशद्दुद ते नारावा सलूक ते तशवीश दा इजहार करदे हुए भारत नूं अकलियतां दा तहफ्फुज़ ते बुनियादी हकूक फराहम करने की हिदायत की। गंधारा हिस्टोरिकल और कल्चरल सोसाइटी टैक्सला के कयाम के हवाले नाल एक इजलास कम्युनिटी हाल टैक्सला च मुनकिद होया। इजलास के कन्वीनियर टैक्सला से ताल्लुक रखने वाले प्रोफेसर राशिद है, जबकि सदारत गंधारा हिंको बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद जियाउद्दीन ने की थी। इजलास राजा नूर मोहम्मद निजामी, मलक महबूब समेत अहल कलम, अहल फिक्र दानिश के तख्लीकारा ने कसीर तादाद शिरकत की थी। इस मौके पर टैक्सला गंधारा हिस्टोरिकल और कल्चरल सोसायटी का कयाम अमल लियाया गया। गंधारा हिंको बोर्ड के जनरल सैकटरी मुहम्मद जियाउद्दीन इस सोसायटी का कंसल्टेंट व मशीर मुकर्र किया गया। मुहम्मद जियाउद्दीन ने इजारे ख्याल करते हुए किया कि गंधारा हिंको बोर्ड गुजश्ता 25 साल से हिंको समेत तमाम पाकिस्तानी जुबाना की तरवीजो तरक्की वैसे कम करता पियावे। उन्होंने 25 साल के दौरान गंधारा हिंको बोर्ड ने तखलीक तहकीक तरवीज के मैदान कारहाए नुमाया सर अंजाम दिते। गंधारा हिंको बोर्ड की कारकर्दगी के हवाले उन्होंने प्रेजेंटेशन भी पेश की थी, ते कामयाबी के इस सफर के हवाले अहम अहम नुकात बयान किए। प्रोफेसर राशिद ने इजहार ख्याल करते हुए किया कि टैक्सला के विरसा तहजीब और तमदन के तहफ्फुज़ वसे गंधारा हिस्टोरिकल एंड कल्चर सोसायटी का कयाम जरूरी आया, तो इसकी जरूरत बड़े अरसे से महसूस की जाती पी। खौफ की फिजा खत्म हो गई है। HBL PSL 4 इंच शरीक ज्यादातर गैर मुल्की खिलाड़ी कराची आने वास्ते तैयार हो गए। दुबई, शारजा ते अबूजहबी मजमुई तौर पर 25 मैचों के नाल PSL 4 का UAE सफर खत्म हो गया है। हूँ चौकियां छकियां की बरसात कराची च हो सी। पहले दिन 9 मार्च को लाहौर कलंदर से इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला है। पाकिस्तान की खुबरू अदाकारा मावरा हुसैन ने अदाकारी बेहतरीन जोर दिखा के शोबिज इंडस्ट्री अपना नाम बढ़ाया वे, ते हूँ तालीमी मैदान भी कामयाबी समेट दे वकालत की डिग्री हासिल कर ली थी। अदाकारा ने इस्लामिक कानून आला तालीम दी इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडी इस्लामाबाद से मुकम्मल की थी, जेरी के लंदन यूनिवर्सिटी नाल मुंसलिक है। इस दिन आई थी खबर खत्म हुई, नवी खबर नाल बात हाजिर होती हैं। अल्लाह हाफिज। We'll be right back।